नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की रटलो सीरीज के साथ मैं आपका रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट पे था आलोक से। हम लोग रटलो सीरीज के दो भागों को पूरा कर चुके हैं, रटलो वन रटलो टू। आपके उत्साह और कमेंट और आपके पढ़ने की लगन से जो है मालूम चला है कि आपको ये रटलो सीरीज खूब भा रही है, पसंद आ रही है और आपके लिए काम की भी है। आपके कमेंट ही बता देते हैं, कमेंट उत्साह है, आपके सुझाव हमारी संस्था के लिए उत्साह है, इसी प्रकार उत्साह को बनाए रखें। आइए आज एक और 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर मैं फिर आपके सामने हूं। शुरुआत करते हैं इन 50 प्रश्नों की, ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं इन 50 प्रश्नों की। तो करंट अफेयर्स की तीसरी सीरीज रटलो 50 प्रश्नों की शुरुआत कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देखिए नंबर दिखते हैं तो मैं आपको कुछ जानकारियां संस्था की तरफ से प्रदान कर देता हूं। संस्था में यूपी पीसीएस के लिए बैच अनाउंस किया जा चुका है और वह बैच 26 तारीख से पढ़ाई लिखाई इसमें शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको यूपी पीसीएस में एडमिशन लेना है, आलोक सर ने बैच को अनाउंस किया है, मैं उसमें स्वयं करंट अफेयर्स की फैकल्टी के रूप में पढ़ा रहा हूँ, पूरी देखरेख है उस बैच में हम लोगों की। तो आप इन नंबर्स पर फोन करके जो है उस बैच में अपने प्रवेश को निश्चित करा सकते हैं। यूपीएसआई का बैच 25 तारीख को अनाउंस करने चल रहे हैं। यूपीएसआई से संबंधित जानकारी भी आप इस नंबर्स पर फोन करके प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। और यूपी टेट का नया स्वतंत्र बैच 3 या 4 तारीख सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे। तो इन तीनों बैचों की रूपरेखा संस्थान में है, मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। आइए अब डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिए गए, डिस्क्रिप्शन से भी आप पता कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तक तेजी से कमेंट करना आप लोग शुरू करिए। पुस्तक माई लाइफ माई मिशन किसकी किताब है, क्या है प्रश्न? चलिए आप लोगों ने देखा होगा माई लाइफ, देखिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बोल के स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि आप लोग पढ़ सके। माई लाइफ माई मिशन किसकी किताब है? माई लाइफ माई मिशन अगर हम लोग कहें तो ये स्वामी रामदेव जी की किताब है, बाबा रामदेव योग गुरु की। और 21 जून को विश्व योग दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया और यह उनकी आधिकारिक आत्मकथा है। यह उनकी आधिकारिक आत्मकथा है, क्लियर है? आत्मकथा है, बायोग्राफी है, आधिकारिक आत्मकथा है। तो माई लाइफ माई मिशन याद रखिएगा, इसी वर्ष है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आइए। हाल ही में दक्षिण भारत के किस शहर से पिंक सारथी वाहन सेवा प्रारंभ की गई? पहले तो आप लोग एक बात जान लें कि जहां पर पिंक लगे इसका मतलब है यह महिला सुरक्षा से संबंधित विषय वस्तु है। पिंक जहां पर भी लगा हो यह महिला सुरक्षा से संबंधित विषय वस्तु के रूप में वर्तमान में प्रदेश सरकारों द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा यह जो है चलाया जा रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? और यह बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। कहां पर? कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में सेवा प्रारंभ की गई महिला सुरक्षा के लिए। कौन सी? पिंक सारथी वाहन सेवा। तो यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं आपके, पिंक सारथी वाहन सेवा किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित है, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो प्रश्न आपका बन रहा है, वो यहां से ये बन सकता है कि किस शहर से शुरू हुई? तो ये बेंगलुरु शहर से शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई है? बेंगलुरु शहर से शुरू हुई है। तो आप लोग इस पर ध्यान आकृष्ट करें, ठीक है? तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और तीसरा प्रश्न है यहां पर, अभी हाल ही में जुजाना कैप्युतोवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए ये अंतरराष्ट्रीय निर्वाचन से जुड़ा हुआ जो है प्रश्न है आपका, आप लोग भी अपना उत्तर करें। मैं इस प्रश्न को जब आपको क्लासरूम में करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा था तो मैंने इस प्रश्न को आपको समझाया है यहाँ पर। तो ये जो जुजाना कैप्युतोवा है ये स्लोवाकिया, कहाँ की? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है, क्लियर? चौथा प्रश्न है आपका यहाँ पर, यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2017-18 में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत क्या है? कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 34.7% है। कितना है? 34.7%। अभी वर्तमान में यूनिसेफ स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार की जो है भारत में भारत सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषित बच्चों का प्रतिशत कितना है? 34.7 है, जो बहुत चिंता की विषय है, जो बहुत ही चिंता की विषय है। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। आइए
आगे बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ, यहां पे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में भारत में मिले एक जीव की प्रजाति याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे पूछा जाता है कि मानुरिया इंप्रेसा क्या है, वृक्ष है, जीव है, क्या है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो फिलहाल तो इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए। हाल ही में भारत में मिले एक जीव की प्रजाति जिसे मानुरिया इंप्रेसा नाम दिया गया, वह क्या है? यह एक कछुआ है। पहले तो ये जान लीजिए क्या है, ये कछुआ है, और एक कछुआ की प्रजाति है जिसे मानुरिया इंप्रेसा नाम दिया गया। एक तो पहले तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिए। अब ये कछुआ की जो प्रजाति है ये किस राज्य में मिली? ये अरुणाचल प्रदेश में प्राप्त हुई। अरुणाचल प्रदेश एक विशेष प्रकार का कछुआ है जो वैश्विक रूप से विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए ये प्रजाति महत्वपूर्ण है। मानुरिया इंप्रेसा अरुणाचल प्रदेश में मिली, और अरुणाचल प्रदेश के याजुली वन क्षेत्र में, अगर हम देखें किसमें, याजुली वन क्षेत्र जो है वहां पर ये मिली, अरुणाचल प्रदेश के याजुली वन क्षेत्र में ये पाई गई। क्लियर? तो कछुआ की एक प्रजाति है, याजुली वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में ये पाई गई है। आइए आगे हम लोग बढ़े, छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित रहे मानव एटलस, देखिए हाल ही में चर्चित रहे मानव एटलस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है? यह एटलस मानुषों की आदिम प्रजातियों से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य मानव शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित ज्ञान में सुधार करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा की गई है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा मानव उत्कों और अंकों के एकीकृत आणविक नेटवर्क का डाटाबेस बनाया जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, मानव शरीर के सभी उत्कों का एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, एक कनेक्टिविटी तैयार की जाएगी, ताकि डिजिटली माध्यम से आपके शरीर की जो कमी है उसको जोड़ा पकड़ा जा सके, उस पर ध्यान आकृष्ट किया जा सके और आपको तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सके। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ऊतकों को संयुक्त रूप से कलेक्ट करते हुए एक डाटाबेस तैयार कर रहा है, ताकि आपके स्वास्थ्य में त्वरित सुधार हो सके और चिकित्सा की जो पद्धतियां हैं उनको और तेज किया जा सके। ये पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न, हाल ही में एशिया प्रशांत समूह के कितने सदस्य? एशिया प्रशांत, दो प्रश्न यहां से बनेंगे, पहले तो इस नाम को ध्यान रख लीजिए। हाल ही में एशिया प्रशांत समूह के कितने सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता हेतु 2021-22 तक भारत की दावेदारी का समर्थन किया? तो इसका सही उत्तर होगा 55। अब यहां पर देखिए, एशिया प्रशांत समूह में कुल 55 सदस्य हैं ही, कुल कितने सदस्य है? 55, और सभी सदस्यों ने भारत की दावेदारी का क्या किया था? समर्थन किया था। एक बार भारत इससे पहले 7 बार अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर चुका है। भारत इससे पहले कितने बार? 7 बार अस्थायी सदस्यता प्राप्त कर चुका है, और 8वीं बार के लिए भारत का यह प्रयास है, 8वीं भारत के लिए भारत का प्रयास है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, 15 सदस्य देशों में 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 जो ये स्थाई हैं, इन 5 स्थाई देशों को अगर हम लोग देखें तो ये 5 स्थाई देशों में कौन कौन है बताइए? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है और रूस है। कौन कौन है? ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, चीन है और रूस है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन और रूस इन 5 स्थाई सदस्यों में शामिल है। हमने अस्थाई सदस्यों के लिए क्या किया था? हाँ, जो है दावेदारी की थी, और हमारे एशिया प्रशांत समूह के 55 सदस्य देशों ने हमारा समर्थन किया। आइए 8वां, अभी हाल ही में WHO द्वारा लॉन्च किया गया नवीन उपकरण अवेयर किससे संबंधित है? देखिए अवेयर जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है, और यह प्रतिरोधकता के आधार पर, प्रतिरोधक क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर इन दवाओं को, यह उपकरण इन दवाओं को 3 भागों में बांट देता है।
तीन भागों में बांट देता है, मतलब इनके पावर के अनुसार, इनकी प्रतिरोधक क्षमता के अनुसार, इनके फायदों के अनुसार, यह अवेयर उपकरण इनको क्या कर देता है, तीन अलग अलग भागों में, तीन अलग अलग कैटेगरी में विभाजित कर देता है। तो इस अवेयर को आप याद रखिए, ये एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है बताइए? एंटीबायोटिक दवाओं से संबंधित है। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है आपका। अभी हाल ही में आरबीआई ने विभिन्न नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया था? 7 करोड़ रुपए का। कितनी राशि का? 7 करोड़। हाँ, मुद्रा और मुद्रा के लेन देन से संबंधित कई चीजों में लापरवाही बरतने पर आरबीआई ने अभी एसबीआई पर 7 करोड़ का जुर्माना लगाया। इस प्रश्न को आप दो तरीके से याद रखेंगे। आरबीआई द्वारा अभी सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक पर मुद्रा की लापरवाही को लेकर जुर्माना लगाया गया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? एसबीआई पर। क्या होगा? एसबीआई पर। कितने करोड़ का जुर्माना था? 7 करोड़ का जुर्माना था। आइए 10वां प्रश्न है आपका। अभी हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची जारी की। इस सूची में भारत में सबसे अधिक भुगतान करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? अक्षय कुमार। लगभग $65 मिलियन। कितना? लगभग $65 मिलियन का इन्होंने भुगतान किया। $65 मिलियन का इन्होंने क्या किया? भुगतान किया। एक बात, इस 100 व्यक्तियों की सूची में तो वो 33वें नंबर पर है, लेकिन भारत में वो पहले नंबर पर है। भारत में अगर हम लोग देखा जाए, हाँ, 100 उच्चतम भुगतान मशहूर हस्तियों की सूची की, तो भारत में वो पहले नंबर पर है। इस सूची, अगर इस सूची में हम और सेलिब्रिटी को देखें, तो पहले नंबर पर इस सूची में जो सेलिब्रिटी है वो अमेरिकी पॉप गायिका स्विफ्ट टेलर है। स्विफ्ट टेलर इस सूची में पहले नंबर पर है। स्विफ्ट टेलर जो अमेरिकी पॉप गायिका है, टेलर स्विफ्ट, स्विफ्ट टेलर, इन्होंने $185 मिलियन का भुगतान किया है। $185 मिलियन का भुगतान किया है। क्लियर है? आइए, कर्नाटक बैंक द्वारा जारी बेपटूल वसूल सो फास्ट के संबंध में, संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन असत्य है? यह बेपटूल तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की वसूली प्रक्रिया के लिए बिल्कुल सही है। ऐसी संपत्तियां जो बैंक द्वारा रेडी थी, लेकिन कुछ तनाव से उनकी वसूली नहीं की जा रही, उनके लिए है। इसका नाम क्या है? बेपटूल। बेपटूल वसूल सो फास्ट, है ना। दूसरा, इसे कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाबलेश्वर SMS ने लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसके लिए बैंक ने स्थानीय IT स्टार्टअप से हाथ मिला है, सही है। इसका मतलब इसमें चारों विकल्प, उपरोक्त सभी तीनों विकल्प इसके लिए सही है। आइए 12वां प्रश्न है आपका। दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट, आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में UP SSSC के लिए कि वॉलमार्ट कहां की कंपनी है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, अमेरिका की कंपनी है। दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट की तकनीकी इकाई वॉलमार्ट लैब्स द्वारा बेंगलुरु स्थित निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण किया गया? ये लो केयर नहीं है, इसका सही नाम है फिलोकेयर। फिलोकेयर वो गलत लिखा है, यही विकल्प सही है, लेकिन ये लो केयर नहीं है, फिलोकेयर है। ये फिलोकेयर जो है वो चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने वाली कंपनी है। चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने वाली कंपनी है फिलोकेयर, जिसका अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया है? अधिग्रहण किया गया है। आइए अगले चलते हैं, 13वां प्रश्न है। हाल ही में केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के किस टाइगर रिजर्व में नियमानुसार इन प्रिंसिपल यूरेनियम सर्वेक्षण और अन्वेषण की अनुमति दी? मतलब टाइगर रिजर्व तो है, लेकिन नियमानुसार, नियमानुसार का मतलब है सशर्त अनुमति दी है अन्वेषण की और सर्वेक्षण की, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। दो प्रश्न यहां से तैयार होते हैं। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पे है? तेलंगाना में है, और इसमें किसकी अनुमति दी गई है? यूरेनियम सर्वेक्षण और अन्वेषण की अनुमति दी गई है। 14वां प्रश्न है आपका। आइए, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। यहां पर स्टार भी लगा है, तो आप देख लीजिए, 21 मार्च आपका सही उत्तर होगा 14वें प्रश्न का। आइए 15वां प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक फुटबॉल मैच खेलने की उपलब्धि प्राप्त की? यह प्रश्न आपको बताना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने इस प्रश्न को खूब आपसे डिस्कस किया था। क्लियर? हाँ, कैरेबियाई द्वीप समूह
कैरेबियाई द्वीप समूह है। कैरेबियाई द्वीप समूह का जो नाम है उसका नाम है, यहां पर कैरेबियाई द्वीप समूह का आपको क्लियर कर दूं, उसका नाम है कुराकाओ। कुराकाओ कैरेबियाई द्वीप समूह का नाम है कुराकाओ। कुराकाओ के खिलाफ 108वां मैच खेलते हुए सुनील छेत्री ने बाईचुंग भाटिया के रिकॉर्ड को तोड़ा और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा मैच खेलने की उपलब्धि को हासिल किया। सोलवा प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से, मैंने आपको जब भी पुरस्कार पढ़ाए थे बैच में तो मैंने आपको प्रधानमंत्री को क्यों पिछले 5 वर्ष में जिन जिन सरकारों द्वारा जिन जिन सम्मानों से सम्मानित किया गया है मैंने पूरी उसमें लिस्ट बनाई थी, उसमें जायद मेडल भी था। जो लोग बैच के हैं वो लोग उसको बताएं कि जायद मेडल जो नागरिक सम्मान है किस भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, किस देश से संबंधित है जायद मेडल, बताएं आप लोग, बताएं उत्तर करें। आप सभी लोग इसका सही उत्तर कर दें तो मैं मान जाऊं कि हाँ आप लोगों ने जो है इसको सही किया है। बताइए जायद मेडल, मैं प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं, आप बताएं, आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं सही, तेजी से आंसर करें, बताइए। हाँ कुछ लोगों ने सही लिखा है, ठीक है, देखिए कुछ लोग गलत लिख रहे हैं, जैसे कुछ लोग इराक लिख रहे हैं, इराक इसका उत्तर नहीं होगा, संयुक्त अरब अमीरात ने, किसने, संयुक्त अरब अमीरात ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायद मेडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। 17वां प्रश्न है आपका, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी, थोड़ा सा भी इस समय माहौल गर्म है, कार्रवाई को मजबूती प्रदान करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की, सुदर्शन नामक अभियान की शुरुआत की। तो सुदर्शन अभियान किससे संबंधित है, घुसपैठ को रोकने से संबंधित है, किन क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, किन क्षेत्रों में चलाया, पंजाब और जम्मू के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आइए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि संस्था में UPPCS का बैच संचालित हो रहा है, करंट अफेयर्स वहां पे आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, जो लोग एडमिशन और प्रवेश लेने के इच्छुक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर बात करके प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। 26 तारीख से उसमें पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाएगी, क्लियर। चलिए आइए, UPPCS हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के किस टेलीस्कोप द्वारा नए ग्रह L9859 की खोज की गई, तो आपका उत्तर क्या होगा, TESS। टेस क्या है, टेस क्या है, टेलीस्कोप है, टेस क्या है, टेलीस्कोप है, और इसकी उपलब्धि क्या है, इसने इस नए ग्रह की क्या कर दी, खोज कर दी। अगर आपसे पूछा जाए L9859 क्या है, तो नासा द्वारा खोजा गया नया ग्रह है। 19वां, हवाई यातायात आवाजाही प्रबंधन ATFM प्रणाली किस देश में लागू नहीं है। पहले तो यह जान लीजिए कि यह प्रणाली केवल 7 ही देशों में विश्व में लागू है ना, और 2019 में भारत में जब से प्रणाली लागू हुई है भारत विश्व का 7वां ऐसा देश बन गया है जिसमें प्रणाली लागू है। यह प्रणाली चीन में लागू नहीं है, यह प्रणाली चीन में लागू नहीं है। अब मुझसे आपसे यह देखना है कि उन 7 देशों में कौन कौन से देश हैं, ये आप देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान और ब्राजील, क्लियर, जापान और ब्राजील, ये 7 देश है जिनमें यह तकनीकी क्या है लागू। 20वां, बार बार बताता हूं, ये मेरी किताब है ना, आप इसको मंगा सकते हैं, 2 दिन से आपको उसको नंबर भी बताया था, एक सरल प्रक्रिया, कुछ नहीं करना है, एक नंबर है 9452, साफ साफ लिख दूं, पता ही है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए 9452275777, इस पर या तो आप व्हाट्सएप पर बुक लिख के भेज दीजिए तो भी किताब आप तक पहुंच जाएगी, आप कॉल करके किताब को मंगा सकते हैं। 20वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राशन इन काइंड प्रावधान को बहाल कर दिया गया, यह सुविधा किसके लिए है, यह सुविधा सैन्य कर्मियों के लिए है, किसके लिए, सैन्य कर्मियों के लिए, सैन्य कर्मियों के लिए सुविधा है। 21वां, बोलो ऐप किससे संबंधित है, बताइए बोलो ऐप किससे संबंधित है, बोलो ऐप
हिंदी एवं अंग्रेजी सीखने से संबंधित है। और अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो ऐप किसका है, तो बोलो ऐप जो है आप ध्यान रखिएगा, ये गूगल का ऐप है। किसका ऐप है? गूगल का ऐप है। और गूगल ने इसको सबसे पहले भारत में लागू किया ताकि छोटे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो हिंदी एवं अंग्रेजी को अच्छे से सीख सके। आइए 22वां प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? रासायनिक खादों या प्राकृतिक खादों? इसका मतलब उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है भूरी क्रांति। आइए 23वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत सहित दक्षिण एशिया में पैर जमाने की कोशिश कर रहे निम्नलिखित में से किस संगठन पर 15 मई 2019 को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो इसका नाम है ISIL खुरासान। यह एक संदिग्ध संगठन था जिस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा? 2027 तक भारत चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। कुछ कामों में हम लोग बहुत आगे हैं, आप लोग जानते हैं, 2027 तक पीछे छोड़ देंगे। क्लियर है? आइए 25वां, हाल ही में कहां पर भारतीय नौसेना के प्रथम पूर्ण सेवा चयन बोर्ड का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। राज्य पूछा जाएगा, जगह पूछी जाए तो राजधानी कोलकाता, जगह पूछी जाए तो राजधानी कोलकाता। आइए आगे तेजी से आप लोग भी उत्तर करें, डीडी इंडिया चैनल का प्रसारण किन देशों में शुरू किया जाना है? है ना, भारत के अलावा डीडी इंडिया चैनल को दो देशों ने और दिखाने का निर्णय किया, और ये जो दो देश आपके हैं कौन है? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया। कौन है दो देश? बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया है यहां पर। और बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया ने इनको दिखाने का क्या किया है? निर्णय लिया है। बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया ने इनको दिखाने का क्या किया है? निर्णय लिया है। आइए अगला है आपका, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर 27वां प्रश्न, तेजी से बताएं, हाल ही में जारी अटल रैंकिंग के तहत सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों के तहत शीर्ष स्थान, मैंने इस पर ये पूरी रेटिंग मैंने आपको डिस्कस की है कि शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? 27वां आप लोग उत्तर करें, मैं स्क्रीन के पास आ रहा हूं, तेजी से आंसर करें, बताइए शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को या IIT चेन्नई को। 28वां प्रश्न, कीरू पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर स्थित है? देखिए दो प्रश्न अलग अलग प्रश्न है, कीरू पन बिजली परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। किस जगह है? किश्तवाड़। अब आपसे पूछा जाए किस नदी पर स्थित है, अब आपको बताना है किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। आइए चिनाब नदी पर स्थित है। 29वां, हाल ही में किसको बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? है ना, बिजनेस लाइन चेंज ऑफ द चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। बहुत अस्वस्थ हैं हम सबके प्रिय जो है वित्त मंत्री, काफी अस्वस्थ हैं और इस समय जो है जीवन उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री अरुण जेटली को बिजनेस जो है लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। और हमारे जो है इससे पहले के वित्त मंत्री थे वो कुछ दिन के लिए रक्षा मंत्री भी थे, और बहुत काम उन्होंने पिछली गवर्नमेंट में किया है, नोटबंदी और GST जैसे निर्णयों में वो शामिल रहे हैं, और इस समय वो दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं और जीवन और जो है ईश्वर से संघर्ष कर रहे हैं, ईश्वर करे कि वो जो है जल्दी स्वस्थ हो। आइए 30वां प्रश्न, नए रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे, मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ाया है आपको, नए रेलवे जोन दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? बताइए, ये तो बताइए कि नए रेलवे जोन दक्षिणी तट विशाखापत्तनम में कहाँ होगा? विशाखापत्तनम में होगा। आइए 31वां, हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 प्रदान किया, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंदौर। लगातार 3 वर्षों से, बीच में कुछ समय के लिए हटा था, लेकिन फिर से सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो गया? इंदौर हो गया। आप भी जब रेटिंग का मामला आया तो आप अपने शहर की रेटिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोग रेटिंग के मामले में इसको पीछे कर जाते हैं। आइए, केंद्रीय शैक्षिक संस्थान विधेयक 2019 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? आप लोग बताइए। 32वां, ये थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि आपको इस विधेयक को याद रहे, ये 27 जून 2019 को क्या किया गया? पेश किया गया है ना, 27 जून 2019 में। 33वां,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार तथा अन्य कानून अध्यादेश 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश का उद्देश्य क्या था? इस अध्यादेश का उद्देश्य है आधार को लोगों के अनुकूल बनाना, आधार को लोगों के अनुकूल बनाना, कोई ऐसी बाध्यता और अनिवार्यता ना लगाना जिससे उनका जीवन प्रभावित हो, उनके अनिवार्य जीवन जीने की शर्तें प्रभावित हो। तो ये जो विधेयक लाया गया है इसीलिए लाया गया है कि आधार को लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। 34वां प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 2005 की किस धारा की उपधारा, ध्यान रखिएगा मैं पूछ रहा हूं किस धारा की उपधारा, तो धारा दो की उपधारा, किस धारा की उपधारा, धारा दो की उपधारा 5 में संशोधन करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित किसी भी एक ट्रस्ट या इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति देने हो तो पात्र माना जाएगा धारा दो को। 35वां प्रश्न, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को राज्य सरकार से सामान्य सहमति के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। फिर से पढ़िए, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को राज्य सरकार से सामान्य सहमति के बिना राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की? आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। अभी पश्चिम बंगाल में सीबीआई को इस मामले को लेकर बड़ा दिक्कत हुआ था, आप जानते हैं, जो है चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने सीबीआई को बैरंग लौटाया था और इसके बीच ये राज्य केंद्र के बीच विवाद का विषय बना है और उसी पर एक्शन लेते हुए आंध्र प्रदेश ने अनुमति प्रदान की है कि आप बिना सहमति के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। किस उच्च न्यायालय ने उड़ने वाले जीप और जलीय जीप सहित पूरे पशु जगत को, ध्यान से पढ़िए, पूरे पशु जगत को कानूनी इकाई के रूप में घोषित किया जिनके पास एक जीवित व्यक्ति के समान अधिकार होंगे? किस उच्च न्यायालय ने, देखिए जीव संरक्षण की दिशा में और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मिसाल पेश करते हुए उच्च न्यायालय ने एक कानूनी इकाई के रूप में ये जो उड़ने वाले जीव जंतु हैं एक जीवित व्यक्ति के समान अधिकार इनको प्राप्त किए हैं। ऐसा करने वाला एक कौन सा बताइए? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। कौन है बताइए? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। 37वां प्रश्न है, अपने एक निर्माण में दिल्ली उच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र को एक राज्य नहीं माना, स्टेट नहीं माना, है ना, संयुक्त राज्य को एक स्टेट नहीं माना, किस अनुच्छेद के तहत? 37वें प्रश्न का उत्तर होगा अनुच्छेद 12 के तहत संयुक्त राष्ट्र को एक स्टेट राज्य नहीं माना। 37वां प्रश्न है, सफेद दाग के उपचार हेतु ल्यूकोसिन नामक हर्बल दवा के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार ने डीआरडीओ के किस वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित साइंस अवार्ड से सम्मानित किया? पवन नेगी, संजीव कुमार सिंगला, हेमंत पांडे। किसको? हेमंत पांडे जी को इस दवा उपचार ल्यूकोसिन नामक हर्बल के उपचार के लिए सम्मानित किया गया है अभी भारत सरकार द्वारा। क्लियर? हाँ, साइंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हेमंत पांडे को कौन सा अवार्ड मिला है बताइए? साइंस अवार्ड हेमंत पांडे जी को मिला है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला है, 39वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई, ध्यान पर नाम रहे, ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन, कौन सा मिशन? ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन का प्रक्षेपण किया जाएगा, यह मिशन किस ग्रह उपग्रह पर भेजा जाएगा? तो आपको देखना है कि ड्रैगन फ्लाई जो है वो किससे संबंधित है, तो शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन से संबंधित है। शनि ग्रह के उपग्रह किससे संबंधित है बताइए? टाइटन से संबंधित है। हाँ आइए, 40वां, हाल ही में लॉन्च किए गए विश्व में मलेरिया के पहले टीके का नाम, कल भी मैंने बताया था RTS, कल मैंने इसके बारे में भी चर्चा की थी, RTS मलेरिया क्या है? मलेरिया का टीका है, है ना, विश्व में मलेरिया के टीके का क्या नाम है? पहले टीके का RTS। हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का जलावतरण संपन्न हुआ। फिर से पढ़िए, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का जलावतरण हुआ, इस पनडुब्बी का नाम क्या है? INS बेला। INS बेला क्या है? एक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। 42वां प्रश्न, भारत में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली तोप का नाम क्या है बताइए? भारत में लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली तोप का नाम क्या है बताइए? धनुष।
ये साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चन हैं जो वैज्ञानिक और जो है इससे संबंधित हैं। तीसरा, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए चिनूक हेलीकॉप्टर्स, चिनूक बहुत जो है समय चर्चा में रहा है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किसने किया? अमेरिकी कंपनी बोइंग ने, रूसी कंपनी बोइंग ने, जर्मन कंपनी बोइंग ने, चीनी कंपनी। तो ये जो जो है चिनूक है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, चिनूक एक अमेरिकी बोइंग कंपनी, अमेरिकी कंपनी बोइंग ने। 44वां, कचरे के ऊर्जा संयंत्र से बिजली प्राप्त करने वाली भारत की पहली मेट्रो परियोजना कौन सी है? सबसे परिष्कृत, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन सबसे परिष्कृत, सबसे अपडेट और सबसे शानदार है ना। मेट्रो मैन श्रीधरन द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है, सबसे शानदार है। 45वां, योग लोकेटर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रभावी बनाने के लिए और जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए आयुष मंत्रालय, यूनानी पद्धति, होम्योपैथी पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण के लिए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ देने के लिए, क्या योग लोकेटर क्या आयुष मंत्रालय की पहल है? किसकी पहल है? आयुष मंत्रालय की। 46वां प्रश्न है, सभी लंबित मुकदमों को एक वर्ष में निपटाने हेतु, बहुत न्यायपालिका पर बहुत दबाव है, सभी लंबित मुकदमे को एक वर्ष में निपटाने हेतु किस उच्च न्यायालय ने जीरो पेंडेंसी नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत की? जीरो पेंडेंसी दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रोजेक्ट है। किसका है? दिल्ली उच्च न्यायालय का प्रोजेक्ट है, ध्यान आप रखिएगा। आइए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE छात्रों और अभिभावकों को मजबूत सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप लागू किया? शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी अब CBSE द्वारा जारी किया गया। 48वां, किस राज्य में वन फैमिली वन जॉब, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपका, किस राज्य में वन फैमिली वन जॉब, सिक्किम, एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी, सिक्किम में लागू किया गया। किस राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना, बताइए, एक जनपद एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश द्वारा, एक जनपद एक उत्पाद। आइए, 50वां प्रश्न है आपका, विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा है जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सेवाओं की घोषणा की? व्हाट्सएप के माध्यम से अमीरात इस्लामिक बैंक, अमीरात इस्लामिक बैंक। तो ये 50 प्रश्न थे, कल और महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के साथ आपके सामने होंगे। ये कुछ नंबर हैं संस्था में जिससे आप जो है जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और जो है जैसे UPPCS का बैच चल रहा है, UPSI का आने वाला है और UPTET का नया बैच आने वाला है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर संपर्क करके अपनी सुविधाओं को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आज रट लो 3 में इतना ही, कल रट लो 4 के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी प्रकार अपना समर्थन बनाए रखें, अपने सुझाव बनाए रखें, वीडियो कैसा लगा संस्था को कमेंट करके जरूर बताया करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।